भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के साम्राज्य पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्राय प्रश्न आता है। अगर हम राजवंश की बात करें, जिसमें चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, ऐसे प्रमुख वंश हैं जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। देवगिरी है, होयसल है, कदम, गंग, काकती, ऐसे वंश हैं जहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हैं और आपसे प्राय गलतियाँ होती हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार चोल है। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक है जो आपके परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। तो चलिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे वीडियो में जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्लास बड़ी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर हम प्रश्नवार देखते चलें, तो किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत होती है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप लोगों ने भी बताया सही है, वो है राजेंद्र। क्या नाम है? राजेंद्र। आइए राजेंद्र के बारे में जानते हैं। चोल राजा राजराज फर्स्ट ने सिंहलदेव के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलुरु को अपनी राजधानी बनाया। इसका नाम जन्नाथ मंगलम रख दिया गया, किंतु संपूर्ण सिंहल, श्रीलंका को एक नाम से जानते हैं, संपूर्ण सिंहल पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया। करंदय तामत्रो में राजेंद्र ने इस विजय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। श्रीलंका का पराजित राजा महिंद पंचम था। जो पराजित राजा था, उस पराजित राजा का नाम किसी को पता है? राजा महिंदम पंचम, महिंदम पंचम ये पराजित राजा था। कैसा राजा था? ये पराजित राजा था। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा सभी को, कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम चोल वंश की बात करें, तो ये राजनीतिक के रूप से चोल वंश का 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ, संगम काल के 30वीं शताब्दी से मान लिया जाता है। विजयलाल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, कुलानतुंग, तो ऐसे महान राजा यहाँ पर होते हैं। लेकिन आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा राज राजा द्वितीय। जी हाँ, राज राजा द्वितीय। अगर हम राज राजा प्रथम का शासनकाल जो था, राज राजा प्रथम का जो शासनकाल था, ये 985 से लेकर 985 से लेकर 1015 एनोडोमनी है। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल यह 1052 से लेकर 1064 तक है। पुलकेशिन द्वितीय की बात की जाए तो ये चालुक्य वंशी थे, ये 610 से 642, ये किस वंश थे? चालुक्य वंश थे। इंपॉर्टेंट है, ये चालुक्य वंश थे। यहां पे जो प्रश्न पूछा है वो 1150 से 1173। लेकिन चोल वंश का संस्थापक कौन था? अगर स्थापना विजयलाल ने की थी, किसने किया था? विजयालय ने किया था, विजयालय ने किया था स्थापना। कब किया था? 850। यह आपके लिए महत्वपूर्ण, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। विजयालय ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछा सकता है। यह पल्लव वंश का सामंत था। विजयालाल ने तंजाम्बूर पर अधिकार करके नरकेसरी को उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? नरकेसरी की उपाधि भी धारण किया, जो आपके लिए परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ।
क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला है, किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या होगी जो आपको एक बेहतर नोट्स बनाने में मददगार होगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चोल, मुगल, ब्रिटिश, पाल, बताइए क्या होगा? इस शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए, यह होगा चोल वंश। चोल शासन अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था। ये गांव में दो तरह की संस्था चलती थी, पहली उर तथा दूसरी सभा या महासभा, मतलब ये दो होती थी। इनकी जो ग्रामीण समुदाय होती थी, ग्रामीण समुदाय दो होती थी। पहली अगर हम बात करें तो पहला जो होता था उर, और दूसरा क्या होता था, इंपॉर्टेंट है लिख लीजिएगा, सभा। इसे ही महासभा कहते थे, ऐसा नहीं महासभा कोई तीसरा था। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे, इसमें सभी, इसमें केवल ब्राह्मण। यहां पे केवल ब्राह्मण या अग्रहार, इसे महासभा अग्रहार दान किए गए ग्रामों से होती थी। तो यहां पर यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर ऐसी क्लास आपको YouTube पर मिल जाए अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका संरक्षण है, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग थे, यहाँ पे ब्राह्मण, चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले, आपकी इच्छा। अस्थायी स्वशासन अगर हम बात करें तो उर तथा महासभा नगर और नगर ग्राम सभाएं भी थी, ठीक है। उर तथा महासभा 42 सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, मतलब ग्रामीण लोगों की थी। पुर या नगर दोनों सम्मिलित होते थे। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, इन्हें अग्रहार भी कहा जाता था, ठीक है। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था। ग्राम सभा यह भूमि का कर संग्रह करती थी। चलते हैं आगे, अगले टॉपिक पर, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नौसैनिक शक्ति था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आता है ऐसे प्रश्न। किसके पास नौसैनिक शक्ति थी? बहमनी, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे या यूट्यूब पर जहां भी लाइव देख रहे हैं ना, जवाब जरूर दीजिएगा। ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है। चलिए आई फिर बात करते हैं। यहाँ पर होगा, सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने सही बताया है चोल, ज्यादातर लोगों ने जवाब सही दिया है। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत ही प्रबल थी। इसने जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, मालदीव साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। चलते हैं प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था, जल्दी से कमेंट करिए और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा यार, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां भी आप इसे देख रहे हैं। इतना तो कर सकते हैं, ये भी नहीं करेंगे। बताइए, इसके बारे में जानते हैं। सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में एक सुनियोजित राजस्व प्रणाली में एक सुव्यवस्थित एक संगठित स्थानीय स्वशासन, अभी इसकी हम लोग बात कर रहे थे। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख आप लोग कैसे कहेंगे, सर हम कैसे माने कि बहुत ही बेहतर थी? तो आइए उसके लिए हम जानते हैं।
इसका उल्लेख उत्तर मेरु रबले में मिलता है, उत्तर मेरुर अभिलेख में। ये इम्पोर्टेंट है, इसी अभिलेख में मिलता है। क्या पता चलता है कि जो आपका चोल राजवंश है, ये संगठित स्थानीय स्वशासन था। स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में सम्मिलित प्रणाली को लागू किया जाना वर्यम कहलाता था। इसका प्रयोग क्या कहलाता था, किसी को पता है? अभी मैंने जस्ट बताया, वारियम, वारियम के नाम से जाना जाता था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम परीक्षा की, आपके स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं, तब इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे भी आप जानते हैं कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। ठीक है, चलते आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये उनके लिए है जिनको एक नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी, सिलेक्शन लेना है। बाकी कुछ लोग को तो लग रहा है सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, नहीं जवाब देंगे तो मेरा काम है बताना। चलिए, अगर राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो तलैत दुति, ये तलैत दुति चालुक्य राजा, ये कौन सा था? चालुक्य राजा था, चालुक्य वंश का। इसने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क दुति को परास्त किया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम कौन था? कर्क दुति, कर्क दुति। कब? 1973-74, 1973-74 एडी माने ईस्वी। ठीक है, एडी माने ईस्वी। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब इसके बारे में जानते रहिएगा कि राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशी राज्य की स्थापना की। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका सही और राइट आंसर है। ठीक है, किसी कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। पांडव का राजनीति एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था? जवाब दीजिएगा सभी साथी। इसको साफ नहीं दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो एकदम HD चलना शुरू हो जाएगा, पूर्ण रूप में HD। पांडव की राजधानी, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मदुरै। मदुरै, पांडव की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। ये पांडव की राजधानी भी थी, ये इसकी क्या थी? राजधानी भी थी, ये इसकी राजधानी थी। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम में मदुरा का सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया है। इसका दूसरा नाम कदम वन था। इसका दूसरा नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। कदम वन इसका दूसरा नाम था। वेनसांग इसका क्या कहता है? मलकोट कहता है। वेनसांग क्या कहता है इसे? मलकोट कहता है। क्या कहता है? मलकोट। किसे? मदुरै को। ये ऐसी सीरीज है, एकदम इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाली सीरीज है, और एकदम वीडियो साफ चल रहा है। अगर आप कोई पूछा करे तो जो लोग इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं वो कमेंट का जवाब दे दिया करे कि बफरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, एकदम HD चल रहा है। बस यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पल्लव राज्य की राजधानी थी, पल्लव राज्य की राजधानी थी, एकदम आसान। चेनापट्टनम, महाबलीपुरम, मदुरै, कांचीपुरम। कम से कम इसी माने हमें नाम तो याद हो जा रहा है यार। वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा। देखिए, कांचीपुरम, कांचीपुरम दक्षिण शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम थी। ये कहाँ थी? तमिलनाडु में थी।
ये तमिलनाडु में थी। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार तत्समय वहां 100 से अधिक बौद्ध विहारों के 10,000 भिक्षु निवास करते थे। दक्षिण में चोलों को पराजित कर पल्लव राज की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। ठीक है, पल्लव राज की स्थापना किसने की थी? पल्लव राज की स्थापना राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए? विष्णु ने की थी। किसे पराजित किया था, किसे पराजित करके किया था? देखिए, एक एक कड़ी को जोड़ते चलते हैं। चोलों को ठीक है, आगे चल अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? चोल, काकती, पल्लव, राष्ट्रकूट। ये था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लाटूर, बीदर माना जाता है। इनकी राजधानी मानखेट स्थानांतरित हो गई। इस वंश स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंती दुर्ग स्थापित किया। दंती दुर्ग पहले बादामी या वातापी के चालुक्य का संबंध थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी सही जवाब है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? देखिए, अभी लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क लाइव प्रतिदिन चलाई जाती है। मेरे द्वारा देश हित में, राष्ट्रहित में, एक अब की बार एक सीट हमार। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वादामी थी। जस्ट अभी मैंने ऊपर बात किया, जो चालुक्य थे ये राष्ट्रकूटों का मूल स्थान, राष्ट्रकूटों का जो मूल स्थान था। फिर आगे हम लोग देखते हैं, चालुक्य की राजधानी वादामी थी। इसे हम वातापी भी कहते हैं, इसे हम वातापी भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है ये? कर्नाटक के कहाँ पर? वर्तमान में बागलकोट। ये क्या है? ये वर्तमान में। ये ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। जयसिंह, याद रखिएगा, जय सिंह। ये चालुक्यों का पहला ऐतिहासिक शासक था। इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्लियर? चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, वैसे आपकी इच्छा। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ बताइए? पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताएं। आइए देखते हैं किसके द्वारा हुआ। यहां पर हुआ नरसिंह वर्मन द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहते हैं इसको हलवा वाले प्रश्न। चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ कूरम अभिलेख में। किस अभिलेख में? कूरम अभिलेख में। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? कूरम अभिलेख में। इसके अनुसार नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को पराजित को परियाल, सूरमा तथा मणिमंगलम के युद्धों में पूर्ण रूप से पराजित किया। उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित कर दिया। जी हाँ, उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित कर दिया। बाद में नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार करके उस पर वातापी कुंड की उपाधि धारण की। ठीक है,
क्लियर हुआ? आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, सभी को जिसके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो। अगला है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चालुक्य जो शासन था, शासक था, किसे हराता है बताइए। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति में उसकी हर सफलता का कौन सी एहोल अभिलेख, कौन सा अभिलेख? एहोल, एहोल अभिलेख, ये कब से था? 634। इसमें अंकित तिथि कितना है? 634 ईस्वी। तो एहोल जो अभिलेख था, इसकी सफलता का वर्णन मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ। एहोल एक प्रशस्ति के रूप में, इसकी भाषा संस्कृत, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। लिखते चले गए, इतनी बेहतरीन नोट्स आपकी बनेगी ना कि मार्केट में किताबें ऐसी नहीं मिलेंगी। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी थी, इसलिए की रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसे इसे लिखकर कालिदास तथा भारो के समान यश प्राप्त किया है। वह लिखकर, ठीक है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया? ठीक, बताइए इस कमेंट करके। चालुक्य ने साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण में, क्योंकि आज का टॉपिक ही है दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंश। चलिए और आगे देखते हैं, शायद आपको और बेहतर लगे। चालुक्य ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया। सुदूर दक्षिण में पांडवों का शासक था, जबकि मालवा में परमारों का था। मालवा किसका था? परमारों का था। दक्षिण में चालुक्यों का था, सुदूर दक्षिण में पांड्यों का था। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कुछ लोग तेज के चक्कर परेशान हैं, आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है, फास्ट वाले आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आज किसी को नहीं ना? काकती वंशी कहाँ के शासक थे? काकती वंशी कहाँ के शासक थे? ये काकती वंश का संस्थापक कौन था, किसी को पता है? संस्थापक वेतराज। वेतराज ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? अमकोंड या वारंगल थी। और इसके विशेष यह था कि गणपति सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्र मादेवी गणपति की ही पुत्री थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण कर 35 वर्ष शासन किया। इसका अंतिम शासक रुद्रदेव था, जो 1295 से 1323 तक था। काकती वंश कहाँ के शासक थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के शासक थे। दूसरी बात, काकती वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया। वारंगल इसकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी? वारंगल। काकती लोग स्वयं को चोल करिका का वंशक मानते थे।
काकती वंश के जो लोग थे वो चोल करिकाल का वंशज मानते थे। निम्नलिखित राज्यों और उनके शक्ति शासित क्षेत्रों के बीच कौन सा बेमेल है? तीन मेल एक बेमेल है, होयसल द्वार समुद्र सही है, यादव देवगिरी सही है, काकती वारंगल सही है। पांडव की जो राजधानी थी वेलूर नहीं थी, मदुरै थी। यही गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है। द्वार समुद्र होयसल सही है, देवगिरी यादव की थी, वारंगल काकती की राजधानी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, प्रयास किया जाएगा टेलीग्राम पर उपलब्ध कराने का, लेकिन आप यहीं पे नोट्स बना लीजिए जो लोग डेली लाइव क्लास अटेंड करते हैं। अगला है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? बसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? बसुमित्र, कल्लर, जयपाल। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा कल्लर। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगत तुर्मान को आपदस्थ करके राजसत्ता पर अधिकार कर लिया, हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पहले यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उदभांडपुर थी। राजतरंगड़ी में राजा कल्लर को ललिया शाही कहा गया है। ठीक है, अगला है, बिंद शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? बिंद वाकाटक। इसकी स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी, बिंद शक्ति ने की थी। ये सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे, और अजंता के गुहा लेख में बिंद शक्ति के वंश केतु कहा गया है। ठीक है, ये मगध के चक्रवर्ती गुप्त वंश का समकालीन भी माना जाता है। ये राजवंश के लोग विष्णु वृद्धि गोत के ब्राह्मण थे, इनका मूल निवास विदर्भ था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? संगम काल में रोमन व्यापार केंद्र क्या था? अरिकामेंडू। ये प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों से व्यापारी वस्तु एकत्रित की जाती थी, फिर यहाँ से रोम जाती थी। ये कहाँ पे है? ये पुदुचेरी में है। ये कहाँ पर है? पुदुचेरी में। क्या खुदाई, जहाँ पे खुदाई हुई तो खुदाई के बाद क्या क्या पता चला? यहाँ पे दीप के टुकड़े मिले, कांच के कटोरे, रत्न, मन के बर्तन प्राप्त किए गए। संगम काल में अरिकामेंडो रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? बताइए। देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? जल्दी से कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजेंद्र चोल, एकदम सही जवाब। राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला पहला चोल शासक था। इसके लिए बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी किदंतियां आपको पढ़ने को मिल जाती हैं, जहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी?
देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ेंगे कैसे, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो आपका पूछा गया है वह गंगकोंड, पंडित चोल, मुडिकोंडा, मन त्याग समुद्र, ये विक्रम चोल ने धारण की थी। किसने? मतलब ये गलत है, इसलिए जो गलत है वही सही, क्योंकि यहां पे नहीं पूछा। जितनी भी राजेंद्र चोल अपने विजयों के आधार पर, गैंगकोंड, मुंडिकोंडा, पंडित चोल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न देख रहे हो जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, घुमा के फिरा के। बताइए, चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। रट लीजिए एकदम, सिलेक्शन लेना है तब, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगर पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर किसका है, मंदिर शिव का कौन बनवाया था? राजराज प्रथम। एक प्रश्न आपका ये भी तैयार होगा ना परीक्षा के लिए, सिलेक्शन लेना है तो भैया मेहनत तो करना ही होगा, मैं नौकरी उतनी आसान नहीं जितना लोग कहते हैं। किस चोल शासक, चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? ऊपर अभी लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए चोलोदास श्रीलंका के दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया, ये कौन था? राजराज। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? जल्दी से बताइए। कृष्ण फटम प्रथम ने, किसने? कृष्ण प्रथम ने, क्या आपको पता था? चलिए ये एलोरा का मंदिर जो है ये है कहां पर, एक प्रश्न तो यही आता है, ये है महाराष्ट्र में। दूसरा, यह मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। कैसा? बेसर शैली। ये कौन सी शैली है? बेसर शैली है। और राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम, किसने? कृष्ण प्रथम। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, हिंदू बौद्ध, बौद्ध जैन, हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन। एलोरा में जो गुफाएं हैं हिंदू बौद्ध और जैन, एलोरा में अवस्थित गुफाएं, शैलकृत मंदिर का संबंध हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्मों से, ये कहां पे? औरंगाबाद में है। एलोरा कहां पे है? औरंगाबाद। लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। एक सवाल आपसे बनता है कि औरंगाबाद कहां पर है, औरंगाबाद कहां पर है? यहां पे अधिकांश गुफाओं शैलकृत मंदिर का निर्माण किसने करा है? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने कराया है? राष्ट्रकूट शासकों ने शैलकृत मंदिरों का निर्माण कराया है।
ठीक है। अगला, महाबलीपुरम के सप्त पैगुंडा किसके द्वारा संरचित कला के साक्षी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, बस मेहनत कर दीजिए, सीट आपकी जरूर होगी। अगर महाबलीपुरम की बात करें तो ये है पल्लव ने, महाबलीपुरम ने सप्त पैगंडा पल्लव द्वारा संरचित कला है। इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये इंपॉर्टेंट है कि सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव के द्वारा। ठीक है, मतलब प्रश्न से जोड़कर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे तभी तो आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे, ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे इतना आसान नहीं है नौकरी। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अगला, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? चोल, कदंब, पल्लव, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेलूर नामक स्थान पर यह 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई। कितने? 34 शैलकृत गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, क्या इसके मन में भी कोई डाउट है आप लोग के? एक प्रश्न आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो कदम वंश है इसका संस्थापक कौन था, किसी को पता है? कदम मयूर शर्मन संस्थापक। थोड़ा सा क्योंकि जैसे मिल गया तो आपको बता दें, क्योंकि ये परीक्षा में तो आप लोग को मिलना नहीं है। किताब दी, मयूर शर्मन। इसकी राजधानी वनवासी थी। राजधानी क्या थी? वनवासी थे। ठीक है, हाँ पल्लव तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रकूट भी जानते हैं, चोल भी जानते हैं। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रथ मंदिरों का निर्माण, रथ मंदिरों का निर्माण किसमें हुआ था? महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव राजवंश। अच्छा देखिए, महाबलीपुरम जो होगा वो पल्लव वंश में आएगा ना, तो ये पल्लव वंश किस शासक ने? पल्लव शासक ने नरसिंह वर्मन प्रथम। रथ मंदिर किसकी है? द्रौपदी रथ। देखिए रथ कौन सा है लिखते चलिएगा, द्रौपदी भीम और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध है, ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी भी किसी के मन में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेली क्लास चलती है, इसकी लिंक टेलीग्राम पर मिलती है और टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लें। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी? बताइए,
इसके बारे में जानते हैं। यह सोमदेव। एक प्रश्न आपसे है, कल्हड़ की प्रमुख रचना क्या है? अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर कहां पे किसी को पता है? राजस्थान में है। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है, ऊपर मैंने इसे बताया था, सोमदेव। यह आखिरी प्रश्न आज का। ये ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे इलेनी बी दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहाँ से सभी क्लासेज आपको इलेनी बी दुर्गेश पर उपलब्ध होंगी। घर बैठकर संपूर्ण नोट, संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। मेरे द्वारा क्लासेज निःशुल्क हैं, देशित में, राष्ट्रहित में। और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी बी दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इलेनी बी दुर्गेश। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने का प्रयास करिए। विक्रमांग चरित ये विल्हड़ की रचना है। किसकी है? विल्हड़ की रचना है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, अभी भी अगर आपके मन में कोई डर, समस्या हो, पूछ सकते हैं। वेदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हम्पी स्मारक कर्नाटक में है, ये जानते होंगे आप लोग, वैसे मैं रिविजन के लिए बता दे रहा हूँ। संगम साहित्य की रचना पांडे ने किया था। महाबलीपुरम एकास्मिक शैली का जो रथ मंदिर है, संगम साहित्य का उल्लेख कदम्ब राजवंश में मिलता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेनसांग पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो शायद आपको परीक्षा में पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। चोलों द्वारा विकसित जो दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला है, वो द्रविड़ शैली में है। शैली कौन सी उनकी? द्रविड़ शैली है। और इसी के साथ ये क्लास आप सभी की समाप्ति की तरफ है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे जिसके मन में कोई आ रहा हो। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंते दुर्ग ने रखी थी। और कोई सवाल? चलिए, अगर आपके मन में आएगा तो। चोल साम्राज्य कौन था, किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। याद रखिएगा, चोल साम्राज्य को अंतोगत्व मलिक काफूर ने समाप्त किया था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछ जाता है। राष्ट्रकूट राजाओं के पास सबसे अधिक किले थे। राजेंद्र प्रथम श्रीलंका के राजा और रानी को मुकुट और राजचिन्ह पर कब्जा कर लिया था। चोल काल में सड़कों की देखभाल हेतु बागान समिति बनाई गई थी। चोल में महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पत्तनम था। तमिल ग्रंथ कूरल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। तमिल ग्रंथ कूरल को, कूरल ये तमिल ग्रंथ है जिसे लघु वेद कहा जाता है। चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने सिलोन या श्रीलंका पर विजय हासिल किया था। तो ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। एक शिलालेख के अनुसार गोविंद तुती जो था, केरल के पांडव और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया। पल्लों का तो विनाश ही हो गया। गंग जो क्षुद्रता के कारण असंतोष का पात्र बन गया, जंजीरों में जकड़ा गया और मृत्यु हो गई वहां पे। राजकूट राजाओं सबसे शक्तिशाली थे, याद रखिएगा। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता था। उसका कार्यभार क्या होता था? ऊपर के पास होता था राष्ट्रकूट वंश में। चोल राजाओं ने मंदिर दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलवाई थी। चोल नौसेना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। बंगाल की खाड़ी कुछ समय तक चोलों की झील बनी थी। चलिए चलते हैं तब, आज के लिए इतना ही। पंप पूर्ण रण। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या होता है। पंप पूर्ण रण कन्नड़ साहित्य के तीरथ माने जाते हैं। जी हाँ, लिख लीजिएगा। जैसे पंप पूर्ण फिर है रण, विकल्प ऐसा है ना, ये क्या है? त्रिरत्न है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए।
कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। ठीक है, गैंडवोग रचयिता वाक् पति है। चोल साम्राज्य किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने, याद रखिएगा। तमिल रामायण या राम अवतरण का लिखक कौन था, कबन था? याद रखिएगा, तमिल रामायण, तमिल रामायण कौन लिखा था? इसे हम रामावतारम भी कहते हैं, इसे हम रामावतारम। कौन लिखा था? कम्बन। ये इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा में पूछ सकता है। एक प्रश्न आया है, शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा। प्रश्न ये है कि मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? जरा कोई कमेंट करके बताएगा, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक प्रश्न आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कल्पना जी ने पूछा है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सवाल सभी से, ऐसा नहीं किसी एक से है। कोई बिल्लड़ बता रहा है, बताइए। अच्छा, कोई बता ही नहीं रहा है। ये नाटक था और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, जैसे एक प्रश्न आया, मैं उसके बारे में थोड़ी सी एक लाइन बताना चाहूँगा। ये जो मत विलास है प्रश्न, ये नाटक था जो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय शुरू हुआ था। किसके समय? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय यह नाटक की शुरुआत होती है। जी हाँ, और महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे किस राजवंश से थे? ठीक, लिख लीजिएगा भैया, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन ये पल्लव वंश से थे। और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले सीरीज में। ये संस्कृत का नाटक था, रचना था, ठीक है, संस्कृत का था, लेकिन आपने अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पल्लव वंश के थे, ठीक। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं।